तो अभी मैं आ चुका हूँ टॉपकापी पैलेस के बिल्कुल सामने। तो मेरे सामने ये है टॉपकापी पैलेस और अभी इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे टॉपकापी पैलेस के अंदर क्या क्या है। सो लेट्स सी, दिस वन इज टॉपकापी पैलेस। व्हिच वन? The first gate. Yeah. I have one more gate inside. Okay. 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 You want a guide? You like? I'm a guide. I can guide you inside. Okay. You are a guide? Yes. How much you will take? Ticket is around like 75 lira. 72 lira actually. Okay. I will do for you 150 lira without ticket. Normally 400 lira. Okay. No, not required now. Sorry? Not required for guide. How much make you happy? What is the ticket cost? 72 lira. 72 lira? I can pay you total 100 lira. With ticket? With ticket. Ticket is 72 lira. जैसे ही मैं पैलेस के अंदर दाखिल होने वाला था, कहीं से एक जनाब मेरे पास आ गया और बोला कि मैं गाइड हूँ, आपको गाइड चाहिए क्या? तो मैं पूछा कि गाइड कितना पैसा मुझे पे करना पड़ेगा आपको। तो वो बोला कि 250 लीरा। पहले तो उसने बोला 250 लीरा, मैंने बोला नो आई डोंट वांट। फिर उसने बोला कि हाउ मच यू वांट, यू गिव मी 200 लीरा। सो वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 200 लीरा मतलब होता है इंडियन करेंसी में 2500 रुपीस के आसपास। और मुझे ये भी पता नहीं है कि ही इज़ एक्चुअली में वो कोई गाइड है कि नहीं, और मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी देगा कि नहीं। सो आई टोटली कैंसल इट आउट एंड मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए गाइड, मैं अकेले ही घूम लूँगा। और मैं अभी पैलेस के अंदर हूँ। पैलेस के अंदर सामने एक और गेट है, इस गेट को पार करके अंदर जाना पड़ेगा। सो शायद इसके अंदर एंट्री करने का जो टिकट मुझे लेना पड़ेगा वो यहीं पर लेना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये फ्री है, टिकट होगा ज़रूर। तो लेट्स सी कितने का टिकट है अंदर। ये है टिकट काउंटर और यहाँ से मुझे टिकट लेना पड़ेगा, और टिकट का कॉस्ट है 72 लीरा। 72 लीरा का टिकट है जिसको लेके अंदर दाखिल होना पड़ेगा। यहाँ टिकट काटिए और यहाँ से अंदर दाखिल हो जाइए। सो मैंने ये टिकट काट लिया है 72 लीरा का और अभी अंदर जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। मैं आ चुका हूँ अभी पैलेस के अंदर, और ये काफ़ी बड़ा जगह लेके पैलेस बनाया हुआ है, और पूरा गार्डन है, गार्डन सराउंडेड पैलेस है। ये बनाया गया था 1459 में, तो ओटोमन सुल्तान यहीं पर बैठते थे और अपना राज्यभार संभालते थे। तो ये उनका रेसिडेंस भी हुआ करता था और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी था। So this is called the Diwani Humayun, that means the Imperial Council. So we are going inside.
So this is the clock sections. Inside there is a lot of clocks used in that Ottoman era. तो ये था टॉपकापी पैलेस, बहुत ही खूबसूरत और ऑटोमन एम्पायर का दास्ता बयान करता हुआ ये पैलेस बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था। और मैं अभी पैलेस के बाहर जा रहा हूँ। तो टॉपकापी पैलेस देख के मैं वापस आ गया हूँ। और एक चीज़ ये इस्तांबुल में आके मुझे लगा कि टर्की जो मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ पर कंजर्वेटिवनेस बिल्कुल उस चरम सीमा पे नहीं है जैसे बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है। तो इसका श्रेय एक आदमी पे जाता है, मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने ये सारे बहुत ज़्यादा जो कंजर्वेटिव नियम थे उन सबको हटा के ये टर्की को एक बहुत ही लिबरल कंट्री के हिसाब से डेवलप करना शुरू किया और जिसका फ़ायदा आज टर्की के जो लोग हैं उनको मिल रहा है। तो मैं अभी हूँ ब्लू मॉस्क के गेट के सामने, सुल्तान अहमद या ब्लू मॉस्क। तो मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ ब्लू मॉस्क के अंदर। तो ये मस्जिद है, तो लड़कों को खुला घुटना और लड़कियों को खुला घुटना और खुला सर पे जाना अलाउ नहीं है। तो अगर आप हाफ पैंट पहन के आए हो या ऐसा कुछ जो जिसमें आपका घुटना खुला रह गया है, तो आप यहाँ से कपड़े लेके अपने आप को ढक के अंदर जा सकते हैं। तो अभी मेरे सामने है ब्लू मॉस्क, इसको सुल्तान अहमद भी बोला जाता है। तो जब मैं एंटर करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से एंटर होता है ब्लू मॉस्क के अंदर। दिस इज रियली ह्यूज, यू कैन सी। यहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी मैं आ चुका हूँ ब्लू मॉस्क यानी सुल्तान अहमद के अंदर और ये लाइन गया हुआ है अंदर, तो मैं भी अंदर जाऊँगा। और मैं पहली बार
किसी मॉस्क के अंदर मैं जा रहा हूँ. सो दिस इज ब्लू मॉस्क. ये मॉस्क के अंदर जूता खोलना पड़ेगा जाने के लिए, तो जूता खोल के एक प्लास्टिक बैग में भर के आपको ले जाना पड़ता है. दिस इज़ द मॉस्क और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत है. इस मॉस्क को ब्लू मॉस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइल्स है वो सारे ब्लू कलर्स के हैं और उसी चलते इसका नाम है ब्लू मॉस्क. सो सुल्तानहमत मॉस्क को बनाया गया था 1616 में ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे, जब टर्की में ऑटोमन एम्पायर का राज चल रहा था उस टाइम पे. 1616 में ये ब्लू मॉस्क तैयार हुआ था और मैंने अंदर भी आपको दिखाया कि इसका नाम ब्लू मॉस पड़ने का कारण क्या है, कि अंदर बहुत सारा ब्लू टाइल्स है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम पड़ा है ब्लू मॉस. तो अभी टर्की के टाइम के हिसाब से बजा है 4 और मैंने आज देखा हया सोफिया, फिर बेसिलिका सिस्टर्न, फिर मैं गया था टॉपकापी पैलेस में और अभी मैं आ रहा हूँ ब्लू मॉस देख के, यानी सुल्तानहमत. और इसके बाद शाम को मेरा बॉस्फोरस क्रूज़ के लिए भी बुकिंग है, तो अभी मैं थोड़ा सा हॉस्टल जा रहा हूँ, थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट लूँगा और फिर मैं निकलूँगा बॉस्फोरस क्रूज़ के लिए. तो हॉस्टल जाने से पहले थोड़ा सा मुझे ट्रैवल एजेंसी में जाना पड़ेगा, जहाँ पर से सुबह मैंने अमुक कल्ले का बुकिंग करवाया था, तो वहाँ से मैं अपना बुकिंग कन्फर्मेशन वगैरह ले लूँगा और उसके बाद मैं जाऊंगा हॉस्टल. तभी मैं जा रहा हूँ ट्रैवल एजेंसी में, तो उसके बाद हॉस्टल चलेंगे. तो मैंने अपने रिजर्वेशन और टिकट सारे कलेक्ट कर लिए, तो मुझे गुड़ेमी से अमुक्कले जाने का जो बस का टिकट है वो मिल गया है और बस स्टेशन में पहुँचने के बाद मुझे वहाँ से ये लोग रिसीव करेंगे और अमुक्कले में मुझे 3-4 घंटे के लिए होटल दे देंगे ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो सकूं, क्योंकि सारा रात जर्नी के बाद थोड़ा सा फ्रेशमेंट का ज़रूरत है. उसके बाद वो मुझे अमुक्कले घुमाएंगे, अमुक्कले और हेरापोलिस, वहाँ का जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो घुमाएंगे और वहाँ से फिर मुझे ट्रांसफ़र करेंगे कुसाडासी में, मेरे होटल में डायरेक्टली. सो ये टोटल पैकेज मैंने लिया है 120 यूरो में, तो मुझे लगा कि उतना ज़्यादा महंगा नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी बहुत जगह पे ये सर्च किया था, तो मैं अलग अलग लेने जा रहा था तो मुझे अलग अलग जगह जाके एक हेडेक होता था कि मुझे बस का टिकट भी बुक करना पड़ेगा, फिर अमुक्कले में घूमना पड़ेगा अकेला, फिर अमुक्कले से कुसाडासी जाना पड़ेगा. तो ये सब झंझट को मैंने हटा दिया, एक बार में मैंने बुक कर लिया 120 यूरो में. तो अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल में.